हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है आरआरबी एलपी टेक्नीशियन छात्रों के लिए। जी हां फ्रेंड्स, उनकी डिवीज़न अलॉटमेंट के साथ साथ ही उनकी ज्वाइनिंग भी यहां पर जो है आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ टेक्नीशियन वेरियस पोस्ट के लिए भी यहाँ पर जो है यहाँ पर 157 छात्रों का ज्वाइनिंग यहाँ पर आ चुका है। अगर हम इनकी ज्वाइनिंग की बात करें तो 12 मार्च 16 मार्च 18 मार्च और 23 मार्च को इनकी एक साथ ज्वाइनिंग होनी है। लिस्ट भी देखिएगा आप और डॉक्यूमेंट्स परफॉर्मा भी देखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स आपको जो बनवाने हैं किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर रेलवे से जो भी अपडेट रहते हैं सभी वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं फिलहाल जो हूँ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। एएलपी जोन से जिन छात्रों को झांसी डिवीजन अलॉट हुआ है टेक्नीशियन वेरियस पोस्ट के लिए, उनके लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको बता दूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आरआरसी पैनल के लिए यहाँ पर जो है सियोरिटी एंड बिजनेस इन एडमेंटी बॉन्ड जो है वो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ देख सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट का परफॉर्मा यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ी जानकारी यहाँ पर नोट करके दी गई है, वो देखिएगा क्या दी गई कि इन्फॉर्मेशन टू अदर रिमेनिंग कैंडिडेट्स टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ऑफ झांसी डिवीजन विल बी पब्लिश शॉर्टली। और फ्रेंड्स, जो 157 छात्र जो हैं जिनको टेक्नीशियन थर्ड डिवीजन झांसी अलॉट किया गया है उनकी लिस्ट यहाँ पर बता दी गई है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी चाहते हो, तो मंडे टू फ्राइडे ऑफिशियल मोबाइल नंबर दिया है यहाँ पर, इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इन्फॉर्मेशन टू आरआरबी पैनल ऑफ टेक्नीशियन थर्ड इलेक्ट्रिकल जनरल पावर ऑफ ट्रेनिंग लाइटिंग अंडर नोटिफिकेशन ऑफ सीए नंबर 0/2018। इस पर क्लिक करके हम देखते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है मैंने ओपन कर लिया है। और देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन टू आरआरबी पैनल ऑफ टेक्नीशियन थर्ड इलेक्ट्रिकल जनरल पावर ऑफ ट्रेन लाइटिंग अंडर नोटिफिकेशन नंबर सीए नंबर 0/2018। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट मेंशन बिलो, अभ्यर्थियों की नीचे सूची दी गई है, ठीक है। इसमें पूरा बताया गया है नोट में, मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि आरआरबी इलाहाबाद द्वारा टेक्नीशियन थर्ड इलेक्ट्रिकल जनरल पावर एवं ट्रेन लाइटिंग के पद पर चयनित अभ्यर्थियों जो नोटिफिकेशन क्रमांक सीए नंबर 0/2018 के द्वारा चयनित हुए, सूचित किया जाता है कि आपको दिनांक 23 मार्च 2020 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय झांसी में निम्नलिखित दस्तावेज लेकर उपस्थित होना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं वो देखिएगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पर यह है कि सभी दस्तावेज, शैक्षिक योग्यता आदि एवं मूल प्रति एवं स्वसत्यापित फोटो कॉपी दो सेट आपको ले जाने हैं। यानी कि जो आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है उन क्वालिफिकेशन की सभी फोटो स्टेट और स्वसत्यापित फोटो कॉपी आपको दो सेट ले जानी है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में यहाँ बताया गया है बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड के मूल फोटो यानी इनकी फोटो स्टेट ले जानी है, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड की। तीसरा है साक्षांकन फॉर्म, ऊपर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दो सेट में जिनको फोटो राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित होना अनिवार्य है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो है चलित प्रमाण पत्र बनवाना है, ऊपर लिंक में दिया हुआ है, मैंने आपको बताया करेक्टर सर्टिफिकेट 3 लिंक दी हुई थी, वहीं पर आपको इसकी दो फोटो स्टेट जो कोई राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर इसका अनिवार्य है, ठीक है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होना चाहिए या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होना चाहिए या जिला मजिस्ट्रेट होना चाहिए, उनसे आपका जो चरित प्रमाण पत्र है वो वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, बता दूँ आपको, पांचवें में बताया गया है कि यदि आप वर्तमान में किसी सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, यानी कि आप कहीं संविदा पर जैसे बोलते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट या अर्ध गवर्नमेंट जो है कोई जॉब कर रहे हो, तो वहां से आपको विभाग से त्याग पत्र स्वीकृत देना पड़ेगा, यानी कि एनओसी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहां पर छठे में बोला गया है कि आपको व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति बॉन्ड, 100 रुपये का बॉन्ड यहाँ पर जो है एडहेसिव टिकट लगाकर या नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर क्षमा क्षतिपूर्ति ब्रांड ऊपर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको देना होगा। और मैं आपको बता दूं ये टाइप करवा कर आपको देना होगा, ठीक है। जैसे गवाह विभिन्न 5 किसी शासकीय सेवारत कर्मचारी तृतीय श्रेणी के हों उनसे आपको हस्ताक्षर करवा कर उस पर ले जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात थी मैंने हिंदी में बताई वो सभी कुछ इंग्लिश में भी यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं जिनको डिवीज़न अलॉट किए गए हैं उन कैंडिडेटों की सभी की लिस्ट यहाँ पर है। जो जो इस लिस्ट में प्लीज़
मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन कौन कैंडिडेट इस लिस्ट में नाम है उनका, ठीक है, जिन जिन का भी नाम है, नेम, सीरियल नंबर है, फादर्स नेम है, नेम है उनका, डेट ऑफ बर्थ है, और पोस्ट कौन सी पोस्ट है वो यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो ये सभी कैंडिडेट्स का लिस्ट यहाँ पर है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। 34 कैंडिडेट फिलहाल ही इस लिस्ट में है और इनको जो है कौन सी पोस्ट अलॉट की गई, और अपना कमेंट बॉक्स जब बताएं तो आप अपना नेम बताएं, ठीक है, और कौन सी पोस्ट आपको अलॉट की गई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने फिलहाल अभी जो है पावर एंड ट्रेनिंग लाइटिंग वालों को देखा, अब देखते हैं हम यहाँ पर आरआरबी पैनल ऑफ टेक्नीशियन डीजल इलेक्ट्रिकल अंडर सीएन नंबर 01/2018, इस पर क्लिक करके हम इस नोटिस को देखते हैं जिनको इलेक्ट्रिकल डीजल इलेक्ट्रिकल पोस्ट मिली हुई है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, यहाँ देख सकते हैं टेक्नीशियन डीजल इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो जो कुछ जानकारी थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जानी, सभी के लिए सेम है, आप हिंदी इंग्लिश में इसमें भी दिया है, पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इसमें कैंडिडेट जो है इनका रोल नंबर सभी कुछ दिया है, जिनको डीजल इलेक्ट्रिकल पोस्ट मिला हुआ है, इसमें कितने कैंडिडेट हैं, तो टोटल 42 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 42 कैंडिडेट हैं। और फ्रेंड, जिन जिन का भी इस लिस्ट में नाम है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जिनको डीजल मैकेनिकल पोस्ट मिली है उनका देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और नोटिस डाउनलोड। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा जिनको मिला है, तो यहाँ पर हम डीजल मैकेनिकल वालों का यहाँ देखें, तो इनके लिए पहुँचना है 16 मार्च 2020 को, और यहाँ पर कितने कैंडिडेट हैं, यहाँ पर मैं बात करूँ तो 47 कैंडिडेट यानी 47 कैंडिडेट हैं, जिन जिन का भी इस लिस्ट में नाम है प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आगे यहाँ पर देखें, तो आगे है यहाँ पर फिटर बेल्डर कारपेंटर वालों के लिए है यहाँ पर, ठीक है, मैकेनिकल फिटर बेल्डर एंड कारपेंटर के लिए, इसको हम डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने नोटिस ओपन कर लिया है फिटर बेल्डर एंड कारपेंटर के लिए, इसमें देखते हैं यहाँ पर इनको 12 मार्च को पहुँचना है ज्वाइनिंग के लिए। सभी को सेम प्रोसेस वही है जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, सभी के लिए वही डॉक्यूमेंट्स हैं, 34 कैंडिडेट हैं। तो इस तरह से मिलाकर फ्रेंड्स 157 टोटल कैंडिडेट होते हैं, और उनकी ज्वाइनिंग डेट भी आप यहाँ देख सकते हैं, सभी छात्र जो है लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग आपको मिलने वाली है, सभी डॉक्यूमेंट्स। अब फ्रेंड्स जो परफॉर्मा दिए गए हैं, उन परफॉर्मा मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स परफॉर्मा के लिए यहाँ पर आपको जो दिया है, ठीक है, इंडिपेंडेंटी बॉन्ड जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, असिस्टेशन फॉर्म जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेक्टर सर्टिफिकेट को देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ ओपन कर लिया है, ठीक है, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, सभी कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नेम भरना है, फादर्स नेम है, और आपका जो लास्ट ईयर मंथ डेट, यहाँ सब कुछ आपको भर देना है, ठीक है, और सिग्नेचर यहाँ पर आपको जो कुछ जानकारी है सभी कुछ यहाँ भर देनी है। लेकिन इसे भी आपको वेरीफाइड कराना होगा, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो वेरीफाइड होना है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उससे वेरीफाई हो, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से वेरीफाई हो, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वेरीफाई हो, या SDM जिसे बोलते हैं जो तहसील लेवल पर होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उनसे आप वेरीफाई करा सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी से भी आप इसे वेरीफाई करवा लीजिए, वेरीफाई सभी कर देते हैं, कहना कि हमारी जॉब है ऐसे वहाँ पर हमारी ज्वाइनिंग है, ये सभी कुछ वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपको परफॉर्मा है करेक्टर सर्टिफिकेट का, डाउनलोड करके आपको इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और सब कुछ डिटेल भर के इसे वैसे वेरीफाई करवा लेना है। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर असिस्टेशन फॉर्म जो है वो आपको बताता हूँ, इस पर क्लिक करना है और आपको असिस्टेशन फॉर्म जो है उसे डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर असिस्टेशन फॉर्म जो है से डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है वो लगा होना चाहिए, रिसेंटली जो फ़ोटो खींचा हुआ हो वही हो, ज़्यादा पुराना ना हो। इसमें आपको ब्लॉक कैपिटल लेटर में अपना नेम लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, होम एड्रेस लिखना है, ओरिजिनली रिसेंटली, और जो एड्रेस है रेजिडेंशली जहाँ रह रहे हो वो आपको लिखना है, ठीक है, कहाँ आपने पढ़ाई की, कहाँ आपने कहीं रहे तो नहीं है, वो सभी कुछ यहाँ पर आपको मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनलिटी क्या है, फादर्स नेम, मदर, वाइफ, हस्बैंड, सभी कुछ यहाँ देना है, भाई कितने हैं, बहन कितनी है, सभी कुछ यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर किसी दूसरे जोन का पैनल या कुछ आता है तो तुरंत ही वीडियो प्रोवाइड आपको मैं कराऊंगा। फिलहाल अगर आपको कोई और दिक्कत प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।